हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय मिश्र और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम टेक्निकल संजय। तो दोस्तों मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर जियो फोन यूजर्स हैं और आपने यूट्यूब चैनल बना रखा है और आपको वहाँ पर ना ही सब्सक्राइबर मिलते हैं, ना ही व्यूज़ मिलते हैं और ना ही आपको वहाँ पर जो भी आप डालते हैं सर्च लिस्ट में भी आपकी वीडियोज़ नहीं आती, क्यों, इसका क्या कारण है, सब कुछ बता रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए क्योंकि ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही वीडियोज़ में बना रहा हूँ। सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बगल बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी होंगी अपने चैनल के ऊपर। मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो आज के डेट में मैंने लगभग 540 वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे और लगभग मैंने 200 वीडियोस को डिलीट कर दिया है इसलिए क्योंकि उसमें मुझे व्यूज नहीं मिल रहे थे। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप फॉलो करिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने एक साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा वीडियोज़ अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले तो अगर आप जियो फोन यूजर्स हैं, अगर आपने चैनल बना रखा है तो आपको व्यूज़ क्यों नहीं मिल रहे हैं, आपको सब्सक्राइबर क्यों नहीं मिल रहे, तो गाइस सबसे पहला तो इंप्रेशन ये होता है कि आपकी हो सकता है वीडियोज़ क्वालिटी अच्छी ना हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने टैग ना अच्छे से डाला हो। तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपने टाइटल अच्छे से ना डाला हो। चौथा रीज़न हो सकता है आपने डिस्क्रिप्शन अच्छे से नहीं मेंशन करा हो। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैसा कैसा टैग डाला है, आपने कैसे वीडियोज़ बनाई हैं, सब कुछ डिपेंड करता है आपकी वीडियोज़ के ऊपर। तो मैं बता दूँ कि आपको कैसा है आप वीडियोज़ बनानी है। गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको बनानी कैसे इंटरेस्टिंग, अब आपको मैं बता दूं वो भी। मैं ट्रेंडिंग वीडियोज की बिल्कुल बात नहीं करता कि आपको ट्रेंडिंग वीडियोज बनानी, आपको ऐसी वीडियोज बनानी है जिसको लोग ज्यादा सर्च करते हैं। जैसे कि मैं बता दूं जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है इस टाइम। अगर जो भी जियो फोन यूजर आता है, अगर यूट्यूब पर जाता है तो यही चीजें सर्च करता है कि अगर यूट्यूब की जियो फोन के अंदर व्हाट्सएप कब आएगा, ये चीज सर्च करती है। और जो भी अच्छे से टैग डालता है, डिस्क्रिप्शन लिखता है और जो भी टाइटल लिखता है उसकी वीडियोज फर्स्ट लिस्ट पर आ जाती है। तो आपको करना क्या होगा, आपको वीडियोस बनानी अच्छी खासी, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आदमी को जो भी अगर कोई सर्च करता है, अगर कोई चीज़ देखना चाहता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो आदमी की समझ में आएगा, जब आदमी की समझ में आएगा तो आपकी वीडियोस को रेगुलर देखेगा, जब आपकी रेगुलर वीडियोस देखेगा तो आपको सब्सक्राइब भी करेगा और जब सब्सक्राइब करेगा तो आपको व्यूज़ तो मिलना हाई है। ये मेरी फर्स्ट टॉपिक थी। सेकंड टॉपिक ये आती है कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी वो तो मेंटेन हो गई, अब सेकंड आता है कि अगर आपकी वीडियो क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका जो टाइटल है, आपका जो डिस्क्रिप्शन है और आपका जो टैग वो अच्छे से नहीं होगा तब भी आपको यहाँ पे व्यूज नहीं मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, मैं स्टेप बता रहा हूँ सिंपली। आपको करना क्या होगा, जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो आपको वहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं टाइटल बता रहा हूँ, टाइटल में आपको लिखना है व्हाट्सएप जियो फोन में व्हाट्सएप कब आएगा, ये आपका टाइटल हो गया। थोड़ा सा आपको मार्क बनाना है, उसके बाद लिखना है जियो फोन व्हाट्सएप अपडेट, मीन्स मैं टाइटल की बात करता हूँ। और सिंपली आपको करना क्या, उस टाइटल को कॉपी करना है और उसको लगाना है नीचे टैग में और छोटे छोटे आपको टैग बनाने हैं, जैसे कि जियो फोन व्हाट्सएप कब आएगा, जियो फोन व्हाट्सएप अपडेट, फिर थोड़ा थोड़ा आपको एक मार्क बनाना, उस मार्क से होगा कि वो आपका टैग बन जाएगा और टैग जो होता है 200 वर्ड का होता है और टैग जो आपको बनाने छोटे छोटे वर्ड में बनाना, जियो फोन इन व्हाट्सएप, ये आपका छोटा सा टैग हो गया। फिर आपको मार्क बनाना, फिर ऐसे ऐसे आपको टैग बनाने, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो सर्च करते हो वो आती है टैग के माध्यम से, अगर आप टैग नहीं डालते हो तो आपकी वीडियो सर्च लिस्ट में बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको अच्छे से मेंशन करना है टैग को और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, क्योंकि आप जब भी सर्च करते हो तो आपका डिस्क्रिप्शन भी सर्च लिस्ट में आता है, क्यों, क्योंकि आपने वो चीज़ मेंशन कर रखी है कि मैंने इस वीडियो में बताया क्या, तो वो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन करता है आपका टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और साथ ही साथ वीडियोज़ क्वालिटी तो मेंटेन रखना ही है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको टैग कैसे डालना है वो मेरी पिछली वाली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, मैंने बताया है कि उस टैग कैसे डालना है, टाइटल कैसे लिखना है वो चीज़ मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में बताया है, वो चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आप अपने चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनानी है, इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कैसे बनानी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। तो अगर आप ऐसी वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, चैनल को ग्रो होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी, आदमी इस पर ज़्यादा सर्च करेगा, जब सर्च करेगा तो आपको वहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा टाइटल आपको जाएगा और वहाँ पे आपको ज़्यादा ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है दूसरे के चैनल पे, वही चैनल रखना है जिस चैनल पर आपने चैनल बना रखा है। आप जाएंगे कोई भी यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर है तो सबसे पहले आपको कमेंट करना है, अगर हर वीडियोज़ पर आप कमेंट करते हैं तो आपको आदमी मेंशन करता है कि ये लड़का हर वीडियोज़ पर आके कमेंट करता है, आखिर क्या है इसके अंदर, क्यों इतनी जल्दी आता है आदमी। अगर आप देखेंगे तो आप एक भी वीडियोज़ नहीं होगी, लेकिन अगर सबसे पहले आप कमेंट करेंगे तो आपको
आदमी जरूर एक बार चेक करेगा आपकी फोटो पे क्लिक करके। जब आदमी आपकी फोटो पे क्लिक करेगा तो आपको बिना वीडियोस के यहाँ पे सब्सक्राइबर मिलते रहेंगे। अगर मैं एग्जांपल दो तीन ऐसे लड़के हैं जो कि यही काम करते हैं, आपने मेंशन करा होगा कि वो आपके जो भी वीडियोस बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं जैसे वीडियो अपलोड करते हैं पहला कमेंट उन्हीं का होता है। जब पहला कमेंट उनका होता है तो जो दूसरा लड़का होता है वो कमेंट करने आता है, उससे पहले वो पहुँच जाता है तो वो देखता है कि आखिर ये लड़का इतना फास्ट क्यों है, तो आदमी क्या उसको भी सब्सक्राइब कर लेता है। तो ये चीज़ आपको करनी है कि दूसरी वीडियो पर जाकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है ताकि आपको आदमी पहचान जाए आपके वीडियोस के, नहीं तो आपके नाम से ही पहचान जाए कि ये लड़का हर वीडियोस पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको करना है। अगर वीडियोस में थोड़ा सा सच्चाई लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना बिल्कुल भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल भूलिएगा मुझसे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए क्योंकि ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देखने को मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके।